हम लोग बात कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 6.4 की, जिसके पहले 16 सवाल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 की। तो आइए उन्हें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट है कि सम ऑफ 6th एंड 8th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 40 एंड प्रोडक्ट ऑफ 4th एंड 7th टर्म इज 220। फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब मुझे दो कंडीशंस गिवन है क्वेश्चन में। कौन कौन सी? पहली चीज है जी सम ऑफ 8th एंड 6th टर्म, और दूसरी चीज क्या गिवन है जी मुझे के प्रोडक्ट ऑफ 4th एंड 7th टर्म। और ये किन टर्म्स की बात हो रही है? जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं, मुझे ये दोनों चीजें गिवन है, इनकी मदद से मैंने अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस क्या है जी, 6th टर्म और 8th टर्म का सम मेरे पास कितना आ रहा है जी? 40 है। और दूसरी चीज क्या है जी कि A4 की प्रोडक्ट A7 के साथ मेरे पास कितनी है जी? 220। इन दोनों को जरा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हम लोगों ने An का फॉर्मूला पढ़ा था, A1 प्लस एन माइनस वन टाइम्स ऑफ डी, वे डी वाज योर कॉमन डिफरेंस। अब यही चीज यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ। A6 है तो वो बनेगी A1 प्लस 6 माइनस 1 5D प्लस A8 पे जब मैं वो फॉर्मूला के मुताबिक लिखता हूँ तो A8 बन जाएगी A1 प्लस 7D इक्वल्स टू 40 आ जाएगा। अब A1 प्लस A1 इट विल बिकम 2A1 और 5D प्लस 7D कितने हो जाते हैं जी? 12D इक्वल्स टू 40। अब यहाँ पे मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है, टेक दैट 2 कॉमन। ऑन टेकिंग 2 कॉमन आ जाएगा A1 प्लस 6D इक्वल्स टू 40 और ये 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है राइट पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी A1 प्लस 6D इक्वल आएगा 40 ओवर 2, जिसका रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ जी इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि ये मुझे आगे जाके हेल्प आउट करेगी। बट आपने एक चीज नोटिस की कि ये A1 प्लस 6D जो हमारे पास आया है अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला, ये मेरे पास क्या बन जाती है? इट बिकम्स माय 7th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हिच बिकम्स 20 हियर। अब ये जो मेरी A7 की वैल्यू आई है 20, इसको मैं अपनी सेकंड कंडीशन में पुट करके सिंप्लीफाई करता हूँ, क्या होगा? मेरे पास आ जाएगा A4 की प्रोडक्ट A7 से जो कि निकाली है 20, वो रिजल्ट करती है कितनी जी? 220। अब ये 20 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की राइट साइड पे जाके 220 को करेगा डिवाइड। तो जब आप डिवाइड करते हैं A4 कितना आ जाएगा? 21 are 20, 20 11 are 220। तो A4 आ जाती है मेरे पास 11। और जब मैं A4 के ऊपर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगाता हूँ, व्हाट टिल इट बिकम, ये हो जाएगा जी A1 प्लस 3D इक्वल्स टू 11। ये मेरे पास आ गई है जी दूसरी इक्वेशन। अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक वन विच इज A1 प्लस 6D इक्वल 20 और दूसरी है A1 प्लस 3D इक्वल टू 11। इन दोनों को मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अपनी A1 और D फाइंड कर लूंगा, फिर उन दोनों की मदद से वी विल फाइंड आवर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि क्वेश्चन में डिमांड किया गया है। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे? मैं सिंपली इक्वेशन 2 को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ। 1 मेरे पास क्या थी जी? A1 प्लस 6D इज इक्वल्स टू 20 और इक्वेशन 2 हमने निकाली है A1 प्लस 3D इक्वल्स टू 11। जब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमें पता है ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस का A1 माइनस के A1 से कैंसल हो जाएगा और उसके बाद 60 माइनस 3D विल गिव मी 3D इक्वल्स 20 माइनस 11 9, 3 मल्टीप्लाई राइट पे जाके डिवाइड, तो D मेरे पास कितना आ जाएगा? 3। मेरे पास कॉमन डिफरेंस निकल आया रिक्वायर्ड कंडीशंस के अंडर विच इज 3। फर्स्ट टर्म चाहिए, इस 3 की वैल्यू को 1 और 2 में से जिसमें मर्जी पुट कर लें। मैं इसे सेकेंड में पुट करता हूँ, क्या जी? पुट D इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये आ जाएगा A1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 इक्वल्स टू 11। अब A1 वैसे 3 3s are 9 इक्वल्स टू 11,
अब ये जो 9 प्लस हो रहा है राइट में जाके हो जाएगा 11 में से माइनस एंड माय a1 विल कम आउट टू बी 2। सो फर्स्ट टर्म भी निकल आई है, कॉमन डिफरेंस भी निकल आया है। अब इन दोनों की मदद से मैथमेटिक प्रोग्रेशन निकाल सकता हूँ। मैंने निकाली मेरी फर्स्ट टर्म 2 और कॉमन डिफरेंस फाइंड किया हम लोगों ने कितना 3। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चाहिए। सेकंड टर्म देखते हैं, सेकंड टर्म कैसे निकलेगी जी। फर्स्ट टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें, फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस 3, दैट विल गिव मी 5। मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो सिंपली सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करें। सेकंड टर्म निकाली है 5, कॉमन डिफरेंस 3, दैट विल गिव मी 8। फोर्थ टर्म चाहिए तो उसके लिए थर्ड टर्म के अंदर अपना कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें। थर्ड टर्म निकाली है 8, कॉमन डिफरेंस वाज 3, सो 8 प्लस 3 विल गिव यू व्हाट 11। तो हम यानी के फाइनली जो मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, फर्स्ट टर्म विल बी 2, सेकंड टर्म इज 5, थर्ड टर्म इज 8, व्हाइल द फोर्थ टर्म इज 11, एंड दैट्स हाउ माय सीक्वेंस इज प्रोग्रेसिंग विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 3 अलोंग विद द फर्स्ट टर्म विच इज 2। क्वेश्चन नंबर 17 को करने के बाद मूव करते हैं 18 की तरफ, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो देखते हैं स्टेटमेंट में वो कहता है कि अगर ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है देन व्हाट, शो दैट के 1 ओवर बी प्लस सी, 1 ओवर सी प्लस ए एंड 1 ओवर ए प्लस बी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कि अगर ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो ये तीनों भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। इस चीज को हमने प्रूफ करना है। स्टार्ट करते हैं जी अपने प्रूफ को। कैसे बात शुरू करेंगे? बात स्टार्ट होगी कि जो चीज हमें गिवन है, वी आर गिवन दैट के ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है इट मींस के बी स्क्वायर का ए स्क्वायर से डिफरेंस और सी स्क्वायर का बी स्क्वायर से डिफरेंस क्या होगा जी, सेम। क्योंकि इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द डिफरेंस ऑफ एवरी टू कंसेक्टिव टर्म्स इज कॉमन। इसी बात को मैंने इस्तेमाल किया। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दो स्क्वायर्स विद अ माइनस साइन बिटवीन देम, फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हम लोगों ने क्या जी, वो इक्वल होता है किसके, बी माइनस ए और बी प्लस ए के। सिमिलरली राइट साइड पे भी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। इधर भी अप्लाई करते हैं तो ये c माइनस बी और c प्लस बी आ जाएगा आपके पास। इसको इक्वेशन 1 कह के रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये आगे हमें हमारे प्रूफ में हेल्प आउट करेगा। अब चलते हैं जी उस प्रूफ की तरफ। क्या कि जिन तीन को मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रूफ करना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं उनकी भी हर दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस चेक करूंगा। अगर सेम आ गया वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी और अगर सेम ना आया देन इट विल नॉट बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चेक कर लेते हैं। जिसको मैंने प्रूव करना है उसमें 1 ओवर c प्लस a सेकेंड टर्म जबकि 1 ओवर b प्लस c फर्स्ट टर्म है, इनका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। दो फ्रैक्शंस माइनस हो रही हैं, वी विल टेक एलसीएम। c प्लस a भी एलसीएम में आएगा और आपके पास b प्लस c भी आएगा। अब चूंकि दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं तो b प्लस c 1 से मल्टीप्लाई होने पर b प्लस c और माइनस दरमियान में सी प्लस ए 1 से होकर आ जाएगा सी प्लस ए। ब्रैकेट्स ओपन करें, आपके पास आएगा बी प्लस सी, ये ब्रैकेट ओपन होने पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस सी माइनस ए, जबकि डिनोमिनेटर में आपके पास ए प्लस सी या सी प्लस ए कोई फर्क नहीं पड़ता और बी प्लस सी रहेगा वैसे ही। ये माइनस सी प्लस सी पे कटने के बाद बचेगा बी माइनस ए ओवर ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी। तो ये मैंने निकाला है सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म से डिफरेंस। अब मैंने चेक करना है क्या थर्ड और सेकेंड टर्म का डिफरेंस भी यही आता है। अगर तो डिफरेंस सेम आ गया इट मीन्स कि ये भी क्या हो गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। चेक कर लेते हैं। थर्ड टर्म मेरे पास क्या है जी, वो है 1 ओवर ए प्लस बी माइनस सेकेंड टर्म क्या है 1 ओवर c प्लस ए। अगेन दो फ्रैक्शंस माइनस हो रही हैं, हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम में a प्लस बी भी आएगा और c प्लस ए भी आएगा। अब ये c प्लस ए इधर 1 से मल्टीप्लाई होके c प्लस ए,
दरमियान में माइनस, ये ए प्लस बी इस वन से मल्टीप्लाई होने पर ए प्लस बी ही आएगा। ब्रैकेट्स ओपन करें जरा, तो इधर आपके पास सी प्लस ए तो रहेगा वैसे ही, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वी विल गेट माइनस ए माइनस बी, ओवर में आपके पास क्या मौजूद था, ए प्लस बी और सी प्लस ए, यानी ए प्लस बी और ए प्लस सी आ गया। वही बात एडिशन में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता। अब इधर प्लस ए माइनस ए से कैंसिल, तो मेरे पास वन ओवर ए प्लस बी थर्ड टर्म का डिफरेंस सेकंड टर्म जो कि वन ओवर सी प्लस ए है उससे क्या आ गया, सी माइनस बी ओवर ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी आ गया। अब क्या ये डिफरेंस सेम आई है, ये है सी माइनस बी ओवर ए प्लस बी ए प्लस सी, जबकि पहला हमने क्या निकाला था, b माइनस ए ओवर ए प्लस सी बी प्लस सी। अभी देखने में ये दोनों सेम नहीं लग रहे, तो क्या हम इनको सेम बना सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको a कह के रख लेता हूँ। अब उसको मैं कोशिश करता हूँ इसके जैसा बनाने की, कैसे बनाऊंगा, फॉर दैट मैं इस वन का इस्तेमाल करूंगा जो हमने गिवन से निकाल के रखी हुई थी। मेरे पास c माइनस बी ओवर a प्लस बी डिफरेंट है इस वन के अंदर। इफ यू सी तो नीचे मेरे पास a प्लस सी दोनों में सेम आ रहा है, जो डिफरेंट पार्ट है वो c माइनस बी ओवर a प्लस बी, जबकि यहाँ पे b माइनस ए ओवर b प्लस सी है। इनको सेम करने की कोशिश करते हैं, कैसे जी, इस्तेमाल करेंगे वन का जी। वन में मेरे पास क्या है, b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी। ये c प्लस बी जो c माइनस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई विल हैव b माइनस ए इंटू बी प्लस ए इक्वल्स टू c माइनस बी, और ये c प्लस बी जो मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके और दूसरी चीज, इस c माइनस बी के ऊपर में a प्लस बी है, तो ये a प्लस बी जो मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट पे राइट में जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी फाइनली आई विल हैव व्हाट, b माइनस ए ओवर c प्लस बी इक्वल हो जाएगा c माइनस बी ओवर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड a प्लस बी के। ये मेरे पास दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल है, इस वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ जी इसमें आफ्टर नेमिंग इट टू, तो इसको कर दें जी, तो क्या हो जाएगा जी, 1 ओवर a प्लस बी का डिफरेंस 1 ओवर c प्लस ए से इक्वल आ जाएगा, किसके, c माइनस बी ओवर a प्लस बी की जगह पर आ जाएगा b माइनस ए ओवर c प्लस बी इंटू ए प्लस सी। इसको मैं नाम दे देता हूँ जी b का। अब यहाँ से a और b से क्लियर हो गया कि मेरे पास इन गिवन में जिसको मैंने प्रूव करना था उनमें हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कॉमन आ रहा है। इसी बात को लिख देते हैं, क्या लिखेंगे जी, ये बात तो क्लियर है कि दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस कॉमन है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इट मींस वन ओवर बी प्लस सी वन ओवर सी प्लस ए एंड वन ओवर ए प्लस बी जो है दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और यही वो बात थी जो हम लोगों ने प्रूव करनी थी।